हेलो एवरीवन, शाही इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं देहाती चिकन। उसके लिए एक मट्टी का हांडी लिया है, आप चाहे किसी में भी बना सकते हैं। और एक किलो चिकन बना रहे हैं। 100 ग्राम तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें चिकन हम फ्राई करेंगे। देखिए हमारा चिकन हो चुका है फ्राई। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से गोश्त पूरे चूर हो जाते हैं। हमने 250 ग्राम प्याज लिया है, इसी में प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमने लिया है 5-6 लाल मिर्च लिया है और 3 तेज़पत्ता लिया है, वो भी साथ में फ्राई करेंगे। प्याज हमारा देखिए लाल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे 2 टमाटर, मीडियम साइज के हमने टमाटर काट लिए है। चम्मच हमने लाल कश्मीरी मिर्च लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और आधा चम्मच जीरा है, इसको भी ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी। इसमें ऐड करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक की ज़रूरत हो उतना ही डालें। मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं बीच बीच में चलाते हुए। अब इसको हमको भूनना है। ये हमने थोड़े गरम मसाला लिया है, काली मिर्च है, शाही जीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सबको हम पीस लेंगे। जब तक ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है इसको हम पीस लेंगे। इसमें हम 2 अक्खा लहसुन डालेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, ये पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। अब चिकन के साथ साथ मसाला थोड़ा भूनेंगे। देखिए हमारा चिकन भुन चुका है, इसमें अब ऐड करेंगे पानी। देखिए पानी में जब उबाल आ जाए तो हमने जो गरम मसाला लिया था ना पीसने के लिए वो पीस के रखा है, अब इसको ऐड कर देंगे। ये बाद में ऐड करने से मसाले का जो खुशबू है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। अब इसको वापस ढक देंगे। चलिए चिकन को देख लेते हैं क्या हाल है। वाओ, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बीच बीच में थोड़ा चलाते रहने का। ये हमारा चिकन हो चुका है तैयार। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। गांव देहात में आज भी इसी तरीके से चिकन बनता है। अगर ये देहाती चिकन आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस पर एक से एक आपको वीडियो देखने को मिलता रहे और एक से एक रेसिपी आप टेस्ट करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।